370 समाप्त होने का एक साल पूरा होने को लेकर आज यानी बुधवार को पैंथर्स पार्टी द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी मुख्यालय गांधीनगर के बाहर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग करते हुए धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उनकी पहचान को खत्म किया गया है। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने भाजपा पर जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। इस मौके पर हर्षदेव सिंह ने कहा कि डोगरा राज्य का विभाजन करना और फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाना किसी भी हाल में इंसाफ नहीं है। वर्ष 2019 को जम्मू कश्मीर जो डोगरा राज्य था उसका दर्जा घटाकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। पैंथर्स पार्टी ये मांग करती है कि इस डोगरा राज्य का दर्जा जो है वो बहाल होना चाहिए और हमारी स्टेट जो है वो हमें वापस मिलनी चाहिए। इसी तरीके से 4G कनेक्टिविटी पिछले 5 अगस्त से बंद है, बगैर कोई कारण बताए हुए बंद है। ये 4G कनेक्टिविटी ना होने की वजह से नौजवानों को, विद्यार्थियों को और सिविल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ये रिस्टोर की जानी चाहिए क्योंकि इसको बंद करना भी जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। टोल प्लाजाज आपने कहते थे कि यूनियन टेरिटरीज में नहीं होते हैं, लेकिन आपने 4 टोल प्लाजाज हमारे ऊपर ला दिए हैं। 2 टोल प्लाजा और खोलने की बात की जा रही है, इसका भी विरोध आज के दिन हम कर रहे हैं। बेरोजगारी की तो इंतहा हो गई है कि आपने जितने भी वादे बेरोजगारी को ख़त्म करने के किए थे 5 अगस्त को, उनमें से किसी के ऊपर अमल नहीं हुआ और अभी तक पिछले एक वर्षों में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। और अभी जो 8,575 क्लास 4 की पोस्टें निकाली गई हैं उसमें भी ये कहा गया है कि हाईली क्वालिफाइड जो यूथ है वो अप्लाई तक नहीं कर सकता है, यानी उनको ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए आप सज़ा दे रहे हैं और उसके बावजूद आप कहते हैं कि इसको सेलिब्रेट कीजिए। हम 370 के एब्रोगेशन का तो स्वागत करते हैं, लेकिन जो 370 अबॉलिश करने के बाद वादे किए गए थे उनमें से एक वादा भी आपने पूरा नहीं किया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और जल्द से जल्द हमारा राज्य का दर्जा जो है वो बहाल होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर पैंथर्स पार्टी अपना प्रदर्शन यहाँ आज के दिन कर रही है।